नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ की चुनाव यात्रा महमदाबाद विधानसभा क्षेत्र है। विधायक है अर्जुन सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री है। ये सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी, 2017 में बीजेपी के पास आई, और इस बार जो जातीय समीकरण की बात करें तो ठाकुर बहुल क्षेत्र है ये। और इस बार क्या वापस से बीजेपी यहाँ पर रिपीट करेगी या कांग्रेस को मौका मिलने वाला है, ये सारे समीकरण पर बात करेंगे। और असल मुद्दे महमदाबाद के क्या है, इस पर भी लोगों की राय जानेंगे। तो तमाम लोग हैं और यहाँ पर एक उत्सव भी चल रहा है तुलसी पूजन का। तो ये जब आप दर्शक कहानी देखेंगे तो बीच बीच में हम आपको तुलसी पूजन से जुड़ी मान्यताएं और यहाँ के विजुअल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गुजरात की राजनीति के साथ गुजरात की संस्कृति से भी आपका सरोकार होगा इस रिपोर्ट में। तो बातचीत शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि इस बार क्या चुनावी समीकरण आपके महमदाबाद के हैं। अर्जुन सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री हैं, इस कांग्रेस की पिछली सीट रही है, इस बार क्या दिख रहा है? इस बार भी बीजेपी सरकार ही आएगी क्योंकि उनके कार्य बोलते हैं, इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार ही आएगी। कारण क्या रहा कि पिछले 27 साल से बीजेपी जीत रही है? नरेंद्र मोदी 2012 में दिल्ली चले गए, उसके बाद आप लोगों ने 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदलते देख लिए गुजरात में, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अभी भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो लगता नहीं है आपको कि अभी मोदी जी तो दिल्ली हैं तो एक मुख्यमंत्री फिक्स कोई चेहरा घोषित कर दे बीजेपी? नहीं, मेरे ख्याल से तो भूपेंद्र पटेल ही लगते हैं मुख्यमंत्री। और यहाँ पर पूरे जन वो है, वो खेती प्रधान है, इसलिए वो मोदी सरकार हमको हर साल 6,000 रुपये देती है हर खेडूत को। सालाना 3-4 महीने में एक बार 2,000 देती है। और या वो हमारे EWS वो 10% वो मिला है, इस कारण भी यहाँ पर पूरी जन मेदनी है वो बीजेपी सरकार वो चुनेगी। आपने खेती प्रधान सीट है ये, विपक्ष का आरोप हमेशा विपक्ष, जैसे अभी आम आदमी पार्टी भी है दिल्ली से आई है, और उनका लगातार ये कहना है कि जो खेती करने वाले लोग हैं तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, समय पे बिजली नहीं मिल रही है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो क्या सच्चाई है या बिजली बिल आप लोगों का ज़्यादा आ रहा है या सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, या जो दूसरी किसान के लिए योजना है, जैसे बहुत ज़्यादा आरोप लगता है यूरिया को लेकर, यूरिया नहीं मिल पा रहा है? यहाँ ऐसे बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, आता है बिजली तो सही तरह से आता है, वो बिल भी जो जैसे यूज़ करता है इतना बिल तो आने वाला ही है। ऐसा नहीं है कि चलो ज़्यादा आया कम आया, वो तो आने वाला है। जैसे कम आएंगे मुफ्त में देंगे तो रेवड़ी लाल हो जाएगा, वो अभी हमें चाहिए नहीं। तो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अब जैसे वो पंजाब में उन्होंने किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़ कर दिया है 300 यूनिट तक, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है बिजली का बिल फ्री लेने में, या अगर बिजली का बिल दे रहे हैं तो चाहेगा आएगा कहाँ से, वो पैसे कहाँ से आएंगे बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि वो पैसे जो मुफ्त दे लो कहाँ से आने वाले? हमारी जेब से ही जाने वाले, जो टैक्स भर के उसके जेब में जाने वाले, ठीक है? वो मुफ्त में सरकार तो अपनी जेब में, अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में से देने वाला नहीं है, देने वाला है? किसान सम्मान निधि योजना का पैसा टाइम पर मिल जा रहा है, जो 2,000 रुपये 4 महीने में आ रहा है। आरोप ये भी लग रहा है कि वो पैसा दूसरे आधार कार्ड के ऊपर दूसरे नाम दिखा के, फर्जी आधार कार्ड लगा के दूसरे लोग ले ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा वो फिंगर भी मिल गया, फिंगरप्रिंट से तो मिल रहा है, फिंगरप्रिंट से मिल रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि दूसरों का आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड लगा कर और दूसरों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा चला। गलत बात, राहुल गांधी फर्जी है, राहुल गांधी फर्जी है साला। अच्छा, क्या कारण है? अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं भारत को, और भारत तोड़ रहे, वो भारत को तोड़ रहे, जोड़ते नहीं है विपक्ष। आप लोग यहाँ पर पहला मुद्दा हिंदुत्व का है, बाकी सब चुप। आपको लगता नहीं हिंदुत्व से रोटी चले? दोनों भी रहता है, विकास भी होता है और हिंदुत्ववादी भी है, इसीलिए भाजपा सरकार चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष का यही आरोप लगता रहा है, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, सही है आप बताइए? सही है। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब कि इसमें ये हो जाएगा कि धर्म के आधार पर लोग बट जाएंगे? कैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान और हिंदू के बीच की जो नफरत की खाई है बढ़ जाएगी? कैसे बढ़ेगी? अभी रहना है एक ही संविधान, एक ही क्या बोलता है संविधान, सही सुनता है, यानी एक जो दोनों बोलते हैं कि नहीं एक कायदा उसके लिए अलग है एक कायदा उसके अलग, वो एक यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। मैं मैरिज करूं कब, 18 साल तक, 21 साल तक, और लड़की 18 साल। मुस्लिम में क्या है,
कम उम्र है, क्या है? लेकिन अब तो मोदी सरकार ने सबके लिए बराबरी कर दिया है। कहाँ किया? कहाँ किया? सबके लिए तो कहाँ किया? नहीं किया, वो नहीं किया, तीन तलाक किया है। नहीं, 21 साल की तो उम्र नहीं किया, नहीं किया। तुम जाओ पूछ लो, मालूम करो। वो फॉलो नहीं कर रहे मुस्लिम समुदाय, नहीं कर रहे। भारत सरकार ने तो नोटिस निकाल दी। नहीं, भारत सरकार ने, मगर वही तो बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है, जरूरी है। संख्या की असंतुलितता बढ़ रही है, इसीलिए तो एक ये मुद्दा है। क्या जनसंख्या मुद्दा है इस बार गुजरात चुनाव में? कुछ लोगों से और जान लेते हैं, जनसंख्या मुद्दा है? जनसंख्या है मुद्दा? आप ही बताइए, आप बोलिए। जो लोग नहीं बोले, जनसंख्या मुद्दा है? अरे जनसंख्या मुद्दा है, क्यों मुद्दा है जनसंख्या? जनसंख्या क्या असंतुलितता बढ़ रही है? हाँ, जॉब्स में भी भविष्य में कई प्रॉब्लम होने वाले हैं जनसंख्या बढ़ने से। अच्छा, तो जॉब, जो कुछ लोग और हैं आपसे आज ही बात कर लेते हैं। तो जॉब्स को लेकर आपके एक और मुद्दा है, रोजगार को लेकर, जो युवा हैं इनसे बात कर लेते हैं आप। अरे बात करो, रोजगार किस क्लास में पढ़ते या कॉलेज में? कॉलेज में। क्या उम्र है? 20 साल। वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ। किसको? बीजेपी। कारण? कारण अच्छा काम कर रहा है बीजेपी। तो जैसे अभी कई लोग बोल रहे हैं कि पेपर फूट जाते हैं, मतलब लीक हो जाते हैं, तो उससे दिक्कत या रोजगार के अवसर आप लोगों के पास है ना? ये है, पर वो धंधा, वो रोजगार दे रहा है। हाँ, क्या काम कर? खेती कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो खेती, युवा मतलब खेती कर रहा है, फायदा दिख रहा है? हाँ, फायदा दिख रहा है। क्या फायदा है, मतलब दाम सही मिलता है? हाँ, दाम सही मिलता है। एक चीज और सवाल मैं आप लोगों से ले लेता हूँ। मंडी का कल्चर यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एपीएमसी मंडी आप लोगों को याद होगा, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मंडी का कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग किसान खेती करते हैं, आप लोग क्यों नहीं आए आंदोलन में? क्योंकि हमको जो दाम मिले हैं वो मिल रहे हैं, हमको कोई जरूर है, मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है। तो प्राइवेट पैसा, मतलब कि जैसे मोदी सरकार का कहना यही था कि मंडी हम इसलिए मंडी ख़त्म नहीं करेंगे, मंडी के अल्टरनेट में एक प्राइवेट मंडी जनरेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट मंडी में आप लोग बेचने जाते हैं अपना सामान? कंपटीशन तो होना ही चाहिए ना। हाँ। कंपटीशन नहीं होगा तो बेहतर दाम खेडूत को मिलने वाले नहीं है। तो आपको बेनिफिट मिलता है प्राइवेट मंडी में, अगर आप बाहर बाजार? मिलता है, मिलता है, मिलता है। वो खेडूत नहीं, उनको मालूम है। अच्छा, आपको बेनिफिट मिलता है? हाँ, मिलता है बेनिफिट। क्या मतलब कि क्या बेनिफिट आपको मिलता है? जैसे वहाँ पे फिक्स प्राइस, मान लीजिए सरकार ने 200 रुपया प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया, वहाँ पे कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे हम लोगों ने सुना था कि गुजरात में ही लेस कंपनी आई, आलू के किसानों को उन्होंने टेंडर दिया, फिर आलू उन्होंने ख़रीदा नहीं, तो इस तरह का डर रहता है या इसके लिए सरकार ने कोई सुविधा बनाई है? ना, इसका कोई हमें डर नहीं लगता है। हाँ। हमें तो अच्छा भाव मिलता है। हाँ। और प्राइवेट कंपनियों में से। अच्छा। और मैं जो साग भाजी धंधा है गाँव में, मैं होलसेल का माल लेता हूँ। हाँ। मंडी में, और मैं मंडी में बेचता हूँ। अच्छा। और अच्छे दाम हमें गाँव में मिलते हैं। सभी खेडूत यहाँ पर खुश हैं? हाँ? सभी खेडूत खुश हैं, सभी खेत में खुश हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, बताएं। जो बिल आया था उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, वो पहले से यही चल रही है गुजरात में, नया नहीं है। गुजरात में भरूच में जाओगे तुम, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ बाहर से लोग आते हैं, केले की खेती करते हैं, पूरा गांव ले लेते हैं, वो सही में अच्छा पड़ता है। वो उसकी ज़मीन नहीं लेते, जैसे हम किराए पे किसी को मकान देते हो तो वो ले नहीं लेते मकान, किराया उसके बदले में लेते। हथियार तो लेते हैं? हाँ, नहीं लेते, नहीं लेते, वो तो नहीं लेते। अच्छा, एक मुद्दा और है, हिंदुत्व की बात चल रही है, बिल्किस बानो का मसला सुना आप लोगों ने? आप बोलेंगे बिल्किस बानो का मुद्दा है इस बार? बिल्किस बानो का नहीं है, नहीं है। क्यों? तुम लोग या लोग उसको चगा रहे हो, बाकी है ही नहीं, मुद्दा है ही नहीं, बिल्किस बानो का मुद्दा है ही नहीं। असल में मुद्दा है क्या? रोजगार पूरा है यहाँ पे, रोजगार सब कुछ मिल रहा है, हम खुद से बीजेपी सरकार से आराम से घूम रहे हैं, हम तो ऐसा चाहते हैं मोदी जब तक जिए तब तक हमारा प्रधानमंत्री बने, केंद्र में और गुजरात में दोनों में बीजेपी ही रहे। एक सवाल और ले लेते हैं, शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर विपक्ष का दावा ये है कि गुजरात के स्कूल्स में, मैं आप लोगों के गांव के आसपास सरकारी स्कूल होंगे, गुजरात के स्कूल में टॉयलेट नहीं है। केजरीवाल सर आए, अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने बोला टॉयलेट्स नहीं है, ठीक से सफाई नहीं होती, लड़कियों की सुरक्षा नहीं है। आपके घर में भी बहनें होंगी, माताएं होंगी, बाहर आती जाती होंगी,
क्या एक आपका रुझान क्या है, ये दावे में हकीकत है या पूरा फसाना है? वो पूरा फसाना है, उसमें कुछ हकीकत नहीं है। तुम ऐसे है तो स्कूल में जाके उसका हर स्कूल बिल्डिंग लाए नहीं है। तुम देखो यहाँ जो खड़े हो सब गुजराती सरकारी स्कूल में ही पढ़े हुए और ये एडवोकेट बना है। अच्छा, यहीं से? और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ शिक्षा नहीं मिलती है, मिलती है शिक्षा मिलती है, नहीं मिल उस पर सुविधा नहीं है। रात को लड़कियों को निकलने में यानी दिन में भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ये मुद्दा तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, मेरी लड़की है वो सुबह 6 बजे जाती है स्कूल के लिए, शाम को 5 बजे वापस आती है, मगर मुझे टेंशन नहीं रहता, वो शाम को वही सर घर आ जाती है। अभी तो वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। और हिंदुत्व को जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, वो एक मुद्दा है कि नहीं यहाँ पे? है ना, राम मंदिर है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो ही बन रहा है यूपी। हाँ तो यूपी में बन रहा है, यूपी अब हमसे अलग थोड़ी है, वो हिंदुस्तान में ही है ना। राष्ट्र भारत है, राम भगवान तो सबके है ना। मंदिर में गए थे तुम खड़े, तो वो राम मंदिर तो था, कौन सा मंदिर? वो भी मुद्दा है। हाँ, मंदिर बनाया तो फिर उसको वोट मिलेंगे, वो क्यों नहीं मिलेंगे, वोट मंदिर पे भी मिलेगा। और कॉलेज जैसे आप घोषणा पत्र में तो राम मंदिर था, तो बना है तो वोट मिलेगा ही। वो यूपी में है, ये गुजरात है। हाँ, राम तो पूरे भारत का है ना, ये सब तो भाई लोकसभा का इलेक्शन था ना तब, उसके उसके क्या बोलते हैं उसके मैनिफेस्टो में था, तो वो भी एक मुद्दा है। वो होगा, वो हो रहेगा कहीं भी जाओ। अभी बोल रहा है केजरीवाल जो आप आदमी कि हम उसको दिखाने के लिए जाएंगे। ठीक है, जब बन रहा था तब तो कोई साथ नहीं आ रहा था, तो अब जब बनने वाला है तो बोला चलो हम भी उसमें लाभ ले ले, तो बोल रहा है कि हम यहाँ गुजरात की प्रजा को वहाँ ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। जब बन रहा तब वो पत्थर डाल रहा था, रोड़े ला रहा था। एक बयान ये भी कांग्रेस का चर्चाओं में था कि राम मंदिर की जो शिलाएं हैं वहाँ पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, इस वाली ये मतलब कि ये कुछ कारण रहेंगे जो राहुल गांधी और कांग्रेस को वोट नहीं गिरेंगे? हम यहाँ पर आप कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं, ये बोले हम यहाँ पर किसी को नहीं मानते। हाँ, आपको नहीं मानते, कांग्रेस को नहीं मानते। कांग्रेस वाले सो रहे होंगे तो उनके मुँह पे मुद गए होंगे, तो ऐसा लगता है कोई शिलाओं पे मुद गए, हकीकत में शिलाओं पे कोई नहीं मुदा। सब झूठ बोलते हैं, हाँ झूठ बोलते हैं, बाकी वो कुछ है ही नहीं। ज़्यादातर तुम कहीं भी जाओगे या नहीं ऐसे, तो एक हिंदुत्व होगा और विकास दोनों ही होगा, और कोई मुद्दा नहीं होगा। गुजरात में पानी, रास्ता, बिजली, सब कुछ पूरी तरह से मिल लाइट दिन 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कोई भी टाइम पर आती थी, यहाँ फिक्स टाइम है, स्टे करेंगे 8 घंटा आएगी आएगी। आपको टाइमिंग मालूम है, खेती का टाइमिंग पूरा मालूम है। गुजरात में से बिजली दूसरे राज्य में सप्लाई होती है। एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा, जैसे हम लोग घूम रहे थे कई जगह देखा भी, तो आपके गांव में भी व्यवस्था है, जैसे कई घरों में छत बड़ी है तो वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया हुआ है और घर से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या व्यवस्था के बारे में आप लोगों तक पहुँच बोल रहा है कि हम अपने बिजली देंगे? यहाँ पर तो सरकार हमको बिजली खरीद हमारे से खरीदती है, तो हमको मुफ्त में नहीं चाहिए, उसके लिए सब्सिडी देती है। हाँ, सब्सिडी देती है ना, वो प्लांट तुम लगाओगे तो सब्सिडी उसमें मिलती है। वो अंकल अभी खड़े ने उनको आपको मैं मिलवा देता, वो चले गए, उन्होंने लगाई है, सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट उसको परचेस करती है और जो होता है हमारा प्लस माइनस वो करके दे देती है हमें। एक आखिरी सवाल आप लोगों से लेता चलूँगा, विपक्ष का दावा है कि जो विकास है, अब आप लोग की अपनी राय है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा, विपक्ष का दावा है कि नरेंद्र मोदी का जो विकास है देश के प्रधानमंत्री का, वो एक आत्मा की तरह है। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ कि वो सुना सबने है, दिखता किसी को नहीं है, सच्चाई है या ये भी झूठ है? आपने नहीं देखा कैसा विकास हुआ है? अच्छा विकास, मैं तो आपसे जानता हूँ, आप बताइए। विकास तो अच्छा ही विकास हुआ है, 5 लाख तक की मेडिकल सुविधा फ्री मिल रही है, तो यहाँ पर महिलाओं को सखी मंडल चल रहा है, उसमें 2 लाख बिना ब्याज पर मिलता है। अच्छा, हाँ, यहाँ जो मिडिल क्लास के, जैसे मैंने होम लोन लिए, इसने भी होम लोन लिए, 2,67,000 की सब्सिडी मिल गई हमको। अच्छा, होम लोन पे? हाँ, तो मिल गई, मिडिल क्लास के लिए भी है वो। कुछ खिलाना पिलाना तो नहीं पड़ता? नहीं कुछ नहीं, 50 रुपया खर्चा नहीं किया। तब फॉर्म भरो, अपने आप आ जाएगा, जब 6 महीने में आ गए। मोदी राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, थोड़े होते ऐसा नहीं है, मगर वही सही आदमी अगर है। आप जानकार है तो भ्रष्टाचार नहीं हो? हाँ, जानकार है तो भ्रष्टाचार, हमें मालूम है क्या ही कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो भ्रष्टाचार नहीं है। कैबिनेट मंत्री अजय सिंह चौहान आते हैं बराबर कि 5 साल में एक बार? नहीं, रूटीन ऐसे आते हैं, आगे आप बोले, आज बोला नहीं, वो भी आ जाते, तुम्हारी मुलाकात भी करवा देते, मगर
आचार संहिता लीजिए, मैं आप नहीं बोला इसको, मैं कहा आ जाते मतलब आ जाते एक फोन पे। उनकी तरफ से क्या योजनाएं चली और क्या विकास कार्य हुए? कांग्रेस आपके यहाँ पहले रही, अब अजय सिंह चौहान, क्या फर्क दिखता है विकास में? सड़कें बहुत बढ़िया बना दी है सभी गांव के, छोटे से छोटे गांव में भी सड़क बढ़िया है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है। हमारे गांव में चार पानी की टंकी है, चार टंकी है, तो सप्लाई का पानी आता है, सप्लाई का पानी आता है, मतलब पाइप से, क्योंकि इसका भी विपक्ष बहुत माखौल उड़ाता है। चलो तुम गांव में, मैं तुम्हें ले जाऊं यहाँ बाहर के एरिया में, वहीं भी पानी नल से ही आएगा, क्योंकि विपक्ष बोलता है कि आपकी हर घर जल नल योजना, हाँ गांव का ही नल से पानी जाता है, पाइपलाइन की व्यवस्था गांव गांव में, पूरे गांव में गटर व्यवस्था है, अपने घर पे पानी मिल रहा है सभी को। सीवर, स्वास्थ्य और सफाई तीनों चीज बराबर है? बराबर है, स्वास्थ्य सही, सब कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। वो मुफ्त में राशन देने के लिए बोल रहा है, वो भी मिल रहा है, जिसको लेना है, जो भी एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड बोलते हैं, उनको मिल रहा है। वो तो आज बोल रहा होगा, वो तो 2 रुपये में कब से मिल रहा है, मिल जाएगा, कोई चांस नहीं है, फिंगरप्रिंट से ही मिलता है, ऐसा ही आदमी को ही मिलता है। सबसे 30 सेकंड में, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, 1 तारीख को आप किसको बटन दबाएंगे? बीजेपी, बीजेपी को, बीजेपी, कोई भी नाम होगा मिलेगा बीजेपी को, जब तक, जब तक मोदी जिएगा तब तक हम वोट बीजेपी को ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। हमारे साथ महमदाबाद खेड़ा के लोग थे, उन्होंने बताया, विषय 2 है इस बार, चुनावी मुद्दा खेड़ा का रहने वाला है, हिंदुत्व और विकास। तो तमाम लोग, उन्होंने अपनी राय रखी और लोगों का कहना यही है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी रहे, बटन नरेंद्र मोदी के नाम पर लगेगा, उनके विकास पर लगेगा, और जो हिंदुत्व का अपना एजेंडा है उस विषय पर लगेगा। कल किसी और विधानसभा में आपको ले चलेंगे और वहाँ का चुनावी माहौल आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस के मुद्दे या आम आदमी पार्टी के वादे, किस पर जनता भरोसा करेगी। तब तक आप जुड़े रहिए कैमरामैन सुमित के साथ, मैं राकेश मोहन सिंह, खेड़ा महमदाबाद, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।